जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो हमें प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं ना, बाबा महाकाल आपको हमेशा खुश रहें। और मुझ पर जिम्मेदारी होती है कि आपको मैं सही और सटीक जानकारी दूं, जिससे कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज काला जादू के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे जातक मुझे कमेंट्स कर रहे हैं और एक बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसी सुनने में और अनुभव से मुझे मिली है कि कई सारे जातक इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, कई सारे लोगों को इस विषय को लेकर भ्रम है और कई सारे जातकों को इस विषय को लेकर कई सारी तकलीफें हैं। तो आपके मन में सभी संशय, सभी जितने भी प्रश्न हैं, इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा के लिए काला जादू पे खत्म हो जाएंगे, चाहे आपका अनुभव कुछ भी रहा हो। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं और कमेंट्स में आप भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय, शिव शंकर, जो भी आपका मन हो दोस्तों वो जरूर लिखें, क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाली सत्ता जो है वो ईश्वर है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे अच्छा लगे। अगर आपको कोई जीवन में परेशानी चल रही है तो आप स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करें प्लीज़। आपको एक सही जानकारी और एक सही राय मैं अपनी ओर से दूंगा और चीज़ों को हम धीरे से बाहर निकलेंगे। सबसे पहली बात है कि काला जादू क्या होता है या नहीं होता है, ये आपके मन में प्रश्न है। दोस्तों, वास्तविकता ये है कि काला जादू जो होता है वो एक माइंड गेम होता है, और माइंड गेम जब भी होता है ना, तो व्यक्ति हम जब कोई फैसला लेने में अप एंड डाउन होता है ना कि मैं ये करूं या ये करूं, हम कंफ्यूज होते हैं उस जगह। सेम काला जादू उसी पोजिशन का नाम है कि हमें उन चीजों को लेकर भ्रमित कर दिया जाता है या हमारे मन में वो संशय डाल दिया जाता है, या तो हमारे कहीं अड़ोसी पड़ोसी या हमारे रहने वाले आसपास के लोग, या हम खुद स्वयं ही उसको ऑब्जर्व करके समझ लेते हैं, या हमने कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, उसकी जो जानकारी है वो जो भी हमारे पास सूचनाएं होती है उससे हम खुद का ऑब्जर्वेशन करके कि हाँ, हम पर किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कुछ कर नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक संयोगवश होता है उसकी मेंटल हेल्थ या उसकी जीवन में जो चिंता है, टेंशन चल रही है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट उस पर होता है वो तो होता ही है उसके ऊपर। और ऊपर से आप उसके कानों में ये बात भी कह दो कि इस पर काला जादू कर दिया या ये चीज़ कर दिया वो चीज़ कर दी, तो उससे व्यक्ति और परेशान हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों को आप माइंड मत करें, मतलब इन चीज़ों को इग्नोर पूरा कर दें। होता है नहीं होता है, इस पर आपको उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका पहला पार्टी ये है कि आपके मन में उस विषय का संशय भर दिया जाए, उसका डर भर दिया जाए, ताकि आप इससे दुखी और पीड़ित हो जाए। तो पहली मुख्य बात है कि कभी भी ये बात को दिमाग से आप निकाल दें, आप बिल्कुल मेंटली फिट हो जाएंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि इसका पहला ही मुख्य होता है भ्रम और भ्रांति बनाए रखना, और इसका लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। यही सही जानकारी अच्छी